रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि सिलपरा स्थित कैनाल ब्रिज के नीचे मरम्मत कार्य के लिए भारी वाहनों का आवागमन 15 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि यह प्रतिबंध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सिलपरा कैनाल ब्रिज का निर्माण किया गया था। कलेक्टर ने बताया कि उक्त मरम्मत कार्य के निर्माणाधीन अवधि तक पूर्व संचालित मार्ग से वाहनों को प्रतिबंधित कर अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आवागमन हेतु डाइवर्टेड मार्ग सहडोल सीधी सिंगरौली से आकर रीवा की ओर आने वाली भारी वाहन गोविंदगढ़ से बेला की ओर होते हुए रीवा एवं प्रयागराज की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि रीवा से सहडोल सीधी सिंगरौली की ओर से जाने वाले भारी वाहन रतहरा बेला होते हुए गोविंदगढ़ से सहडोल सीधी सिंगरौली की ओर जाएंगे। उन्होंने आदेश जारी किया है कि चार पहिया दो पहिया ऑटो वाहन गड्डी रोड से रीवा सीधी सहडोल सिंगरौली की ओर आवागमन करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि टोन्स परियोजना नहर के नीचे का सड़क मार्ग 200 मीटर दोनों ओर किसी भी प्रकार के वाहनों हेतु आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।